हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। होप करते हैं आप सब बढ़िया होगे और वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देख रहे हो आप, जैसे कि मेरा फ़िश टैंक है जो कि 5 फिट बड़ा है और 2 फीट चौड़ा है और 2.5 फीट ऊंचा है। और इसमें मेरे पास आप जैसे कि फ़िशेस देख ही सकते हो कि पैरेट फिशेस हैं, और ये फायर माउथ है, टिनफिल बाब है और डॉलर्स हैं कुछ मेरे पास। पर आप इसमें ना एक फ़िश और भी है जो आपको शायद नज़र ना आ रही हो, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। पीछे शायद दिख रही होगी, ये ग्रीन सेवरम है जो कि ना थोड़ी सी बीमार हो गई है, तो इसको चलो आज मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ और इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। और मेरे पास एक टब पड़ा हुआ है, फ़िलहाल के लिए हम उसको इसमें निकाल के रखते हैं, क्योंकि ना जो ये फ़िश है ना, ये थोड़ा सा डोमिनेट कर रही है और उसको मार रही है, थोड़ा अपना एग्रेशन ज़्यादा दिखा रही है। जैसे कि आप देख ही रहोगे, ये आई गेस एक मेल है, कलर देखो कितना बढ़िया निकल के आ रहा है इसका, रेड कलर। और अभी अपनी डोमिनेंस दिखाना शुरू हो चुका है, तो भाई उसको बहुत अच्छी तरह इसने पेल दिया है, मारा बहुत है। उससे क्या हुआ है कि अब वो इतना हाइट कर रही है, और उसके ना आप देख ही सकते होगे कि उसके फिन्स पे भी देखो कट गए हैं बिल्कुल ना, और वो पीछे छुप गई है जाके रॉक्स के पीछे। तो चलो उसको निकालते हैं और टब में डालते हैं और थोड़ी मेडिकेशन भी डालते हैं फ़िलहाल के लिए, और जाके दिखते हैं, प्रोसीजर दिखाता हूँ आपको। चलो तो जैसे कि आप देख ही सकते हो, सारी फिशेस मेरे पास आ गई हैं, और इसके पीछे देखो मेरी सेवरम जो है, ग्रीन सेवरम निकल के आ गई है। और आप इसकी हालत तो देख ही सकते होगे, सारे फिन्स इसके कट गए हैं, और ये देखो बेली पे भी देखो आप इसके निशान सा आ गया है। अरे यार हटो थोड़ा, 2 मिनट। हाँ ये देखो आप जूम में, इसके फिन्स पूरे खाली हैं चबा चबा के, उसने खाना भी बंद कर दिया है। और बेली पे देखो बिल्कुल एक मार्क दिख रहा होगा आपको, हाँ ये भी इसने फायर माउथ नहीं मारा है इसको। तो चलो यार इसको बाहर निकालते हैं और करते हैं, डालते हैं अपने टब में और थोड़ी मेडिकेशन भी डालते हैं। ये इसी का सारा कारनामा है, किया धरा है कहाँ गई फायर माउथ का, ये था इसने ही मारा है सारा उसको। वो बेचारी बस ऐसी कोने में पड़ी रहती है, और पिछले 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा था निकालूँ, तो अब निकाल ही देता हूँ, इट्स हाई टाइम, नहीं तो वो मार देगी। कंडीशन तो आपको दिख ही रही होगी, आ भी रही है, मेरे को लग रहा है, मुझे बोल भी रही है कि भाई बचा ले, बाहर निकाल ले मुझे, निकाल रहा हूँ। चलो कंडीशन ख़राब है, देखो बचा पाते हैं कि नहीं। भाई ये रहा मेरा फिश नेट, चलो आओ फिश को निकालते हैं बाहर। वे वे पैरेट भी आ गई साथ में। चलो भाई निकालते हैं, ये निकाल ली मैंने अपनी फिश। तो वहाँ पे देख ही सकते हो जो इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, इसके फिन पे भी देख लो फिन्स कैसे हो गए हैं, और इसके बेली पे भी लगी हुई है। चलो आओ इसको डालते हैं, मैंने पानी डाल रखा है ऑलरेडी टब में, और ये पानी जो है आपको नया नहीं भरना है, टैंक से ही लेना है। ये मैंने दिखाया नहीं है, बट ये आपको पानी टैंक में से ही लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है कुछ मेडिकेशन जो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। ये वाली आप देख सकते हो, जैसे कि है एंटी वाइट स्पॉट्स के लिए, जो कि मेरी फ़िश में हो ही रखे हैं, और ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल है, ये यूज़ करेंगे हम। और ये भी यूज़ करेंगे, ये वाली भी है हमारे पास पैरासिडोल, ये इक वगैरह जो है इसके लिए काम आती है, पॉज करके देख सकते हैं किस किस चीज़ों के काम आती है ये वाली। तो हम ये वाली मेडिकेशन अभी यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास कोई फ़िल्टर हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत तो पड़ेगी पड़ेगी एक फ़िल्टर की, नहीं तो आप एक एयर स्टोन लगा सकते हैं इसके अंदर, जो कि कंपलसरी है, क्योंकि अगर वाटर एजिटेशन नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी फिश को, तो वो वैसे ही मर जाएगी, तो आपको एक लगाना ही पड़ेगा। तो मेरे पास एक पड़ा हुआ है, तो मैं अपना फ़िल्टर अभी इंस्टॉल करता हूँ और मेडिकेशन डालता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो हम पहले अपनी पैरासिडोल डाल रहे हैं, मेरे को पता है आप ऐसे अंदाजे से मत डालना, जो पीछे लिखा हो उतने ही डालना आप लोग। और अपनी ये डाल रहे हैं वाइट स्पॉट, और अब थर्ड वाली आपको बताया कि जैसे कि एंटी बैक्टीरियल वो डाल रहे हैं। Thank you.
तो ये है जी फिल्टर, और फिल्टर को करते हैं इंस्टॉल। और फिल्टर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है कि एक तो पानी भी फिल्टर होता रहेगा, दूसरा ऑक्सीजनेटेड रहेगा, जो कि आपको फिश को जल्दी हील करने में हेल्प करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़िल्टर आप लगाएं ही लगाएं अगर आप कहीं पे भी निकाल के रखते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए इसलिए टब में मैंने रखी है फ़िश अपनी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास कोई हॉस्पिटल टैंक नहीं होता है। मेरे पास दो और फिश टैंक्स हैं, पर मैं उसके अंदर नहीं डाल रहा हूँ, और मैं बजाय उसके एक टब या बाल्टी में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक सेकेंड फ़िश टैंक नहीं खरीदते हैं अपनी फ़िश को क्योर करने के लिए। तो उनके लिए मैंने ये प्रोसीजर करके दिखाया कि एक फ़िश टब में भी, फ़िश टब कह रहा हूँ मतलब एक टब में, नॉर्मल से टब में या बाल्टी में भी आप कोई फ़िश को क्योर कर सकते हैं। इट वुड टेक अराउंड 4 to 5 days, आप 4 से 5 दिन लगने हम इसको इसके अंदर ही छोड़ेंगे। और डेली का आपको 20 से 25% वाटर चेंज करना है कम से कम, वैसे रिकमेंडेड 30-40% आप वाटर चेंज करो, क्योंकि इसके अंदर मेडिकेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। आप रोज़ मेडिकेट करो इसको और 30 से 40% पानी इसका चेंज करो। और चलो अभी फ़िल्टर लगाते हैं और देखते हैं, दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ़िल्टर ऑन हो गया है, और इसका जो फ्लो है मैंने बैक साइड पे कर दिया है ताकि फ़्लो बिल्कुल पीछे रहे और मिनिमल रहे, कि फ़िश को तंग ना हो। और आप देख सकते हैं कि फ़िश बिल्कुल आराम से है, ज़्यादा फ्लो नहीं है पानी के अंदर, सिर्फ वाटर एजिटेशन, सरफेस एजिटेशन हो रही है। ठीक है, तो एक और इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करनी थी कि जो ये आप प्रोसेस करोगे 3 से 4 दिन या 5 दिन का, उसमें आपने फ़िश को फीड नहीं करना है। फ़िश कैन सर्वाइव फॉर 20 to 25 days विदाउट फीडिंग, अगर एक फ़िश हेल्दी है तो। वैसे तो मेरी फ़िश इस टाइम बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, आप देख ही सकते हैं, स्पॉट देखो कैसे आ गए हैं, और फ़िश भी देखो कितने ज़्यादा जो फिन्स हैं इसके फ़िश के वो ख़राब हो गए हैं, पूरे खा लिए हैं फायर माउथ ने मेरी। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसकी रिकवरी कैसे होती है, और 4 से 5 दिन तक फीडिंग नहीं करनी है। होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको ऐसी किसी अच्छी वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।